अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ टेस्ट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी खीर की। मैंने लिए हैं गाजरें 1 किलो, ये मैंने कद्दूकश कर ली हैं। दूध मैंने लिया है 2 किलो, वो मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है। और ये मैंने क्रीम ली है 1 कप, कंडेंस मिल्क ये भी मैंने 1 कप लिया है, बादाम मैंने लिए हैं 10 से 12, इन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। ये किशमिश ली है मैंने 2 से 3 चम्मच, ये सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं 5 से 6, देसी घी 7 से 8 टेबल स्पून, और ये मैंने बाज़ार की खीर के अब 2 पैकेट हम डालेंगे लजीज़ा के। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये दूध पक रहा है, और ये मैंने देसी घी मेल्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं देसी घी मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये गाजरें, इसमें मैं इनको हल्की आंच पे पकाऊंगी 10 से 15 मिनट, और ये इनमें इलायचियाँ डाल दूँगी। भैया ये दूध भी देखें पकना शुरू हो गया है, अब अभी देख सकते हैं दूध अब पक गया। मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया दूध को। अब मैं इसमें खीर के ये दोनों पैकेट जो बाज़ार वाले थे लजीज़ा के, अब मैं दोनों पैकेट डाल दूँगी दूध में। पहले मैंने इन्हें पकाऊँगी 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से। साथ ये हमारी गाजरें भी हो रही हैं, जैसे गाजरें भी हो जाएंगी फिर मैं ये इनमें डाल दूँगी। अब यहाँ भी देखें खीर को मैंने पकाया 20 से 25 मिनट। अब ये गाजरें भी ज़रूरी हैं फ्राई। अब मैं ये गाजरें खीर में डाल दूँगी। अब ये देख सकते हैं मैंने डाल दिए गाजरें, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पकाएंगे, और ये भी एकदम जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं केक को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए, गाजरें भी इसमें अच्छी तरह से पक गई हैं। अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क और साथ में ये डालेंगे क्रीम। जब ये गाढ़ी हो जाए तो थोड़ी सी और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और अभी देख सकते हैं खीर हमारी रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें बबल बनना शुरू हो गए थे तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। अब हम इसको डिश में हम अभी डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मैंने ऊपर इसके बादामों की भी गार्निश कर दी है, किशमिश की भी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।